क्या आप सोच सकते हैं कि जिस समय मुंबई में दाऊद इब्राहिम के नाम की तूती बोलती थी, उस समय भी कोई ऐसा आदमी हो सकता था जो उसके दिल में डर बन कर बैठ गया। वो अपने माँ बाप की ऐसी संतान था लेकिन जिसका हौसला उसकी उम्र से बुलंद था, हिम्मत और काबिलियत उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। मगर समस्या ये थी कि जिसका डायरेक्शन एंटी सोशल था। सोचिए अगर इसने अपनी जिंदगी को सोशल वेलफेयर के कामों में लगाया होता तो शायद आज हमारे आपके बीच में किसी बुलंदी पर बैठा होता। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। आखिर तक हम लेकर आए हैं माया डोलस की पूरी कहानी। क्या आपको शूटआउट एट लोखंडवाला फिल्म याद है? अगर याद नहीं है तो चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। साल 2007 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस डॉन की लाइफ स्टोरी बॉलीवुड के लिए ये एक परफेक्ट मसाला स्टोरी थी, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, केवल क्रिएटिविटी का तड़का लगाकर माल तैयार करना था, क्योंकि पब्लिक माया डोलस की कहानी को शुरू से आखिर तक जानने के लिए उदार बैठी थी। इस फिल्म में आपने एक एनकाउंटर देखा होगा। जिस डॉन का वो एनकाउंटर था वो केवल 25 साल की उम्र का था। ये एनकाउंटर लगभग 4 घंटे चला, 450 राउंड गोलियां चली और कुल 7 लोगों की मौत हुई। उसने जिंदगी तो केवल 25 साल की ही जी, लेकिन इस कम उम्र की जिंदगी में जितनी जिंदा दिली लोगों ने उसकी जिंदगी में देखी वो किसी दूसरे की लाइफ में देखना मुश्किल है। साथ ही जिस तरीके से उसकी मौत हुई वो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। इस फिल्म में फिल्म एक्टर विवेक ओबेरॉय ने माया डोलस का कैरेक्टर प्ले किया था, जबकि उसकी माँ रत्ना प्रभा का कैरेक्टर अभिनेत्री अमृता सिंह ने प्ले किया। बहुत छोटी सी उम्र में ही उसने अपने कारनामों से पूरी की पूरी मुंबई को हिला दिया। अपने साथियों में माया भाई के नाम से फेमस ये डॉन आपको शायद नाम से हल्का लग सकता है, लेकिन इसके काम बहुत भारी है। माया डोलस पर बनी एक फिल्म तो सुपर हिट हुई और फिल्म बनाने वालों को अच्छी खासी कमाई भी हो गई, लेकिन फिर भी माया डोलस की जिंदगी की वो कहानी लोगों के सामने नहीं आई जो कि सच में काफी करीब है। कई बार फिल्म में इमोशन के लेवल को हाई करने के लिए कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी जाती है जो सच्चाई से दूर होती है। दरअसल शूटआउट एट लोखंडवाला फिल्म पर माया डोलस की माँ ने भी केस कर दिया। उनका दावा था कि इसमें माया के कैरेक्टर को जिस तरीके से दिखाया गया है वो हकीकत में माया डोलस के नेचर से मेल नहीं खाया। माया के नेचर को लेकर फिल्म में ये जो पिक्चराइजेशन किया गया और दिखाया गया कि माया बहुत ही गुस्से वाला था। केवल 9 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता को मार दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। माया डोलस के एनकाउंटर के कई सालों बाद साल 1997 में माया डोलस के पिता इस दुनिया को छोड़कर गए थे। इतना ही नहीं, फिल्म में ये भी दिखाया गया कि माया की क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसकी माँ का भी हाथ है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। माया के माँ के केस के चलते फिल्मकारों को फिल्म में कुछ बदलाव भी करने पड़े। उन्हें सीधे सीधे ये कहना पड़ा कि ये फिल्म असली माया की जिंदगी पर आधारित नहीं है, बल्कि ये एक काल्पनिक कैरेक्टर पर बेस्ड है। इतना ही नहीं, फिल्म में जिन लोगों के नाम लिए गए उसके लिए फिल्म मेकर्स को पहले ही माफी मांगनी पड़ी, और उसके साथ ही फिल्म वालों पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने भी सवाल उठाया। उसका कहना था कि उसने फिल्म में बहुत सारी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर और जोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। ये तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन हकीकत में माया डोलस की जिंदगी की कहानी कुछ और ही थी। मुंबई के प्रतीक्षा नगर में 15 अक्टूबर साल 1966 को माया डोलस का जन्म हुआ। माँ बाप ने अपने बेटे का नाम प्यार से महेंद्र रखा और ये महेंद्र डोलस के नाम से जाना जाता, लेकिन आगे चलकर ये महेंद्र से माया बन गया। लेकिन इसके माया बनने की एक कहानी भी है, इसकी माया से जुड़ी। कहते हैं कि इसकी माया ने एक बार इसे मजाक में माया कह दिया था, तब से ये माया के नाम से ही फेमस हो गया। माया के पिता का नाम विठोबा डोलस था और माँ का नाम तो आप जानते ही है, रत्न प्रभा। ये अपने माँ बाप के 6 बच्चों में से एक था। अगर आपके नॉलेज में ये बात है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या और भी दूसरी चीजों की तरह फिल्म में ये बात भी आपको बताई गई थी कि माया डोलस एक अनपढ़ गैंगस्टर था, लेकिन हकीकत यह है कि माया डोलस ने मुंबई के ITI कॉलेज से पढ़ाई की थी। छोटे से उम्र में इसने बड़े बड़े कारनामे करना शुरू कर दिया था और मात्र 22 साल की उम्र में इसने अशोक जोशी गैंग को ज्वाइन किया और अशोक जोशी गैंग के साथ मिलकर अपराध की बड़ी बड़ी पारियां खेलने लगा। स्वभाव से सन की समझ में आने वाला माया डोलस दरअसल बहुत ही हौसले वाला और बेखौफ इंसान था। केवल थोड़े ही समय में इसने अशोक जोशी के साथ काम कर रहे दूसरे लोगों को पीछे छोड़ते हुए उसके गैंग का नंबर 1 शूटर होने का तगमा हासिल कर लिया। अशोक जोशी गैंग के लिए माया डोलस कंजूर से रैकेट का संचालन करता था। आगे चलकर अशोक जोशी गैंग और दाऊद के गैंग के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में अशोक जोशी मारा गया, लेकिन दाऊद के गुर्गों ने अशोक जोशी के सभी लड़कों को नहीं मारा, उन्होंने कुछ को
गिरना छोड़ दिया था। माया डोलस उन्हीं में से एक था। आगे चलकर छोटा राजा ने माया डोलस को दाऊद के गैंग में शामिल किया, और वो इसलिए क्योंकि माया के कारनामों से वो सभी परिचित थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये उनके बहुत ही काम आ सकता है। अब माया डोलस दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने लगा, लेकिन दाऊद के साथ काम करते करते माया की एम्बिशंस बहुत अधिक बढ़ने लगी। दाऊद इब्राहिम जिन बिल्डरों से पैसा वसूला करता था उसकी जिम्मेदारी तो माया के पास थी, लेकिन माया के बारे में कहा जाता है कि उसने इन्हीं लोगों से अलग से पैसा वसूल भी करना शुरू कर दिया। माया का स्वभाव भी कुछ ऐसा हो गया था कि वो किसी के भी अंडर में रहकर काम नहीं कर सकता था। उसे तो अपनी सत्ता चाहिए थी क्योंकि उसे मुंबई में अपना सिक्का चलाना था। आगे चलकर उसने दाऊद को हफ्ता देने वाले बिल्डरों से दोबारा हफ्ता वसूल करना शुरू कर दिया, और इसी तरह वो सीधे सीधे दाऊद की आंखों में खटकने लगा। इसके बाद आया साल 1991। इस साल माया डोलस 25 साल का हो गया और वो लोखंडवाला के स्वाति बिल्डिंग में 5 नंबर फ्लैट में पहुंचा। पुलिस को माया डोलस के यहाँ आने की खबर मिल गई। दरअसल माया डोलस पर पुलिस की लंबे समय से नजर थी, जिसे पुलिस पकड़ने की भरसक कोशिशें कर रही थी। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी माया डोलस को पकड़ने के लिए जुगाड़ बैठा रहे थे, लेकिन उनके हाथ खाली थे। लेकिन माया डोलस के लोखंडवाला के इस फ्लैट में होने के इनपुट के बाद इसी फ्लैट में पुलिस ने माया डोलस को घेर लिया। ये माया अपने 6 साथियों के साथ मौजूद था, लेकिन पुलिस अपनी पूरी फौज के साथ आई थी। दरअसल माया यहाँ एक ऐसे बिल्डर से मिलने आया था जिसे वो फिरौती के लिए काफी समय से धमका रहा था। माया और उसके साथी जब स्वाति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 5 में पहुंचे, स्वाति अपार्टमेंट को घेरने वाले पुलिस टीम का नेतृत्व आफताब अहमद खान कर रहे थे। पुलिस ने माया और उनके साथियों को चेतावनी भरे अंदाज में अनाउंसमेंट करके बताया कि वो सभी पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन माया और उसके साथियों ने पुलिस पर सीधे सीधे फायरिंग शुरू कर दी। माया डोलस के साथ उसके जो 6 साथी मौजूद थे उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। पुलिस के एनकाउंटर में सभी लोग मारे गए। मरने वालों में माया डोलस के अलावा दिलीप बुआ, अनिल पवार, राजू पुजारा, अशोक नाडकर्णी, विजय चाकोर, अनिल कुंभचंदनी शामिल थे। माया डोलस के एनकाउंटर के बारे में ये बात कही जाती है कि पुलिस को माया डोलस की लोकेशन का इनपुट दाऊद इब्राहिम ने ही दिया था। यूं तो माया डोलस के अलावा उस समय मुंबई में बहुत सारे दूसरे गैंगस्टर भी काम कर रहे थे, लेकिन माया डोलस वो आदमी था जो सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम के खिलाफ चला गया। वो दाऊद इब्राहिम के उन लोगों से भी उगाही करने लगा जिसे अक्सर दाऊद इब्राहिम पैसा लिया करता था। तो कह सकते हैं कि पुलिस ने दाऊद के इनपुट पर ही मारा और उसके साथियों का एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस को माया और उनके साथियों के पास से लगभग 7 लाख का कैश मिला, लेकिन माया डोलस के खिलाफ पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस उसके खिलाफ इतनी बड़ी टीम लेकर गई, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। आगे चलकर इस शूटआउट को अंजाम देने वाले पुलिस ऑफिसर के ऊपर इंक्वायरी भी बैठी। तब एक शक ये भी उठता है कि कहीं पुलिस ने दाऊद के इशारे पर माया का एनकाउंटर तो नहीं किया। तो हमने आपको दोनों ही कहानी बताई, फिल्मी कहानी और हकीकत की कहानी। इन दोनों में बड़ा अंतर है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।